जंतर मंतर पर कई धरने होते हैं, लेकिन इस बार एक धरना हुआ है। पहलवान बेटियां लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं और ये गुहार उन गलियारों उन दरवाजों तक नहीं पहुंच पा रही है जहां इन्हें पहुंचना चाहिए। तब मुझे एक किस्सा याद आ रहा है जो मैं आपको सुना रहा हूं। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला 1979 यानी कि 1907 और 9, क्योंकि आज की पीढ़ी को ये पता नहीं रहता 1979 क्या होता है, इसलिए मेरे को जिक्र करना पड़ रहा है। 1979 इटावा जिला उत्तर प्रदेश का, और एक थाना वहाँ पे इटावा जिले में उसराहार। उसराहार थाने में सब कुछ सामान्य उस दिन है और धीरे धीरे करके दिन निकल रहा है और शाम होती है, सूरज ढलने वाला है, और इतने में एक बूढ़ा किसान 70-75 साल जिसकी उम्र होगी, वो किसान थाने में पहुंचता है। बहुत सहमा हुआ है, डरा हुआ है और सकचा रहा है कैसे मैं थाने के भीतर जाऊं, लेकिन वो हिम्मत करता है और हिम्मत करके थाने के भीतर प्रवेश करता है। वहाँ पर एक संतरी बंदूक लिए खड़ा है। किसान की जो बची कुची हिम्मत होती है उसकी बंदूक को देखकर और टूट जाती है। किसान फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। एक हेड कांस्टेबल उस किसान को देखता है, उसको भी लगता है कि ये किसान बहुत मजबूर है, परेशान है। उसके कपड़ों को देखकर, पैरों में चप्पल भी नहीं उस किसान के, तब वो किसान को देखता है तो हेड कांस्टेबल जब उसको देखता है तो उसको एक आशा लगती है कि ये शायद मैं इनसे बात कर सकता हूँ। लेकिन टेबल पर जो दरोगा बैठे हैं, वो कुर्सी के सामने कुर्सी पर पैर रखे बैठे हैं, उनको देखकर फिर एक बार किसान सहम जाता है, डर जाता है कि बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन वो हिम्मत करता है और उस हेड कांस्टेबल की आंख के इशारे से उसके पास चला जाता है और हाथ जोड़कर बोलता है कि साहब हमारी जेब कट गई, हम मेरठ से आए हैं और बैल खरीदने आए थे, और यहाँ जब हम आए तो हमारी, उसकी जवान लड़खड़ाने लगती है और कहता है हमारी जेब कट गई साहब, हम बहुत परेशान हैं, हमारे पैसे वापस दिलवा दीजिए। ऐसा कह के वो जब रुआंसा होता है तो हेड कांस्टेबल उससे कहता है कि तुम्हारी बात हम दरोगा साहब से करवाते हैं। ये सब जिक्र चलता है और वो किसान को लेके दरोगा के सामने पेश करता है। दरोगा कुछ इशारे में हेड कांस्टेबल की ओर देखता है और आँखों ही आँखों में बात हो जाती है। इन आँखों ही आँखों की बात के बाद हेड कांस्टेबल उसको ले जाता है और एक जगह बैठा देता है और कहता है रपट दर्ज हो जाएगी, पैसे भी तुम्हारे मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें 35 रुपये देने होंगे। किसान फिर रुआंसा हो जाता है, कहता है हम कहाँ से 35 रुपये देंगे, हमारी तो जेब कट गई है, पैरों में चप्पल नहीं है और हम कितने परेशान हैं। फिर आखिर ये होता है कि किसान बहुत उम्मीद से उन 35 रुपयों के लिए मान जाता है कि ठीक है हम 35 रुपये दे देंगे, लेकिन हमारे पैसे वसूल करवा दीजिए। अब अगली जो प्रतिक्रिया होती है वो ये होती है कि किसान को एक कागज़ दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इस पर एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, अपनी रपट लिख दीजिए कि आपके पैसे कैसे चोरी हुए, कहाँ चोरी हुए। किसान अपनी रिपट उस पर एक कांस्टेबल से लिखवा देता है और पूरी आपबीती उनको बता देता है। तब ये होता है कि हेड कांस्टेबल एक हाथ में स्टाम्प पैड लाते हैं और एक हाथ में पेन लाते हैं, किसान को देते हैं कि अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो साइन कर दो और नहीं पढ़ना आता है तो अंगूठा लगा दो। किसान दोनों हाथों से, एक हाथ से स्टाम्प पैड पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से पेन पकड़ लेता है। हेड कांस्टेबल अचरज में हो जाता है कि इसको पढ़ना आता है या नहीं आता है, या इसको अनपढ़ है, ये दोनों चीज़ें क्यों पकड़ रहा है। किसान दोनों चीज़ों को पकड़ लेता है, पेन से उस रपट पर साइन कर देता है और जेब से जो गंदा सा उसका कुर्ता था उस जेब से एक मोहर निकालता है और मोहर निकाल कर उस कागज़ पर लगा देता है। और उस मोहर को जब हेड कांस्टेबल देखता है तो उस मोहर पर लिखा रहता है चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखकर उसराहार थाने में हड़कंप मच जाता है कि प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थाने में मौजूद हैं और हम उनसे 35 रुपये मांग रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री, आज से 44 साल पहले का एक किस्सा मुझे इसलिए याद आता है कि प्रधानमंत्री से गुहार लगाई जा रही है लेकिन देश की बेटियों की गुहार उन तक नहीं पहुंच पा रही है। निश्चित रूप से लोकतंत्र सशक्त हुआ है, भारत का निर्माण हुआ है, हम विकसित हुए हैं, लेकिन लोकतंत्र में अगर आम आदमी के अधिकारों की आवाज़ लोकतंत्र के सियासी गलियारों तक नहीं पहुंच पाए तो ये लोकतंत्र बेमानी है और इस लोकतंत्र को जिम्मेदार होना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB डिजिटल।